क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी को ऊपर फेंक दिया और कितनी वेलोसिटी के साथ, 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, फाइंड हाइट कवर्ड। भाई जब आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर 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 जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या मैं इसमें काइनेमेटिक्स लगा सकता हूँ, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as? क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। ऊपर जाने में अगर आप इतनी इतनी एस्केप वेलोसिटी बहुत होती है, इस रेंज में वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज। तो ऐसा कुछ ना लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, एच हाइट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, किया था ना 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। और यहां पर पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, जीरो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इसमें एस्केप वेलोसिटी, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर और एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब इसमें काम करेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर तो कट गया और ये 9/16 हो गया। कैपिटल जी एम एम, कैपिटल जी एम एम, कैपिटल जी एम एम कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करके एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, सॉल्व करके आंसर आएगा। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब भी आप सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को फेंकेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी ये क्वेश्चन कर लिया था, किया था परसेंटेज, ये नहीं किया। इस क्वेश्चन को देखें, देखो, अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स एस्केप वेलोसिटी व्हेन बोथ एनर्जीज आर इक्वल, प्रूव करो। एक प्रोजेक्टाइल है, वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को जो है उसकी वेलोसिटी एस्केप के इक्वल अगर कर दें तो उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, प्रूव करो। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाई कैपिटल आर होती है। तो अगर मैं इस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंकूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू ऑब्जेक्ट का मास इंटू एस्केप का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। पर ये फॉर्मूला देखा लगता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या यूज करूं, एस्केप, ठीक हो गया यहां तक? तो इसका प्रूफ है ये। नेक्स्ट, इंटरस्टीलर स्पेस का मतलब तारों के पास इंफिनिटी, इंफिनिटी रॉकेट इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ वी इज इक्वल टू 2√gr। चलो रॉकेट को हमने फायर कर दिया नियर अर्थ की सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ से हमने इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। आगे
एंड मूव्स अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, इट स्पीड नियर इंटरस्टीलर स्पेस। इंटरस्टीलर का मतलब है कि भाई अब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, तो वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी ये बतानी है। वहां पर स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एक बार अटेन होगी, वहां फ्रिक्शन फ्रिक्शन एयर तो होती नहीं है, तो एक बार जो वेलोसिटी अटेन होगी बस वो हो गई, तो आपको वो बतानी है। तो इंटरस्टीलर स्पेस का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। देखो आप काइनेमेटिक्स तो कहीं भी नहीं लगा नहीं सकते, इसमें आप क्या लगाते हो, एनर्जी का कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे और इंटरस्टीलर स्पेस में विल रिमेन सेम। तो टोटल एनर्जी सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर जो हमने दी, और सरफेस ऑफ अर्थ पे माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। इंटरस्टीलर स्पेस में काइनेटिक तो होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो, क्यों, इन्फिनिटी है, माइनस जी एम बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तोड़ गया ये। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर लो, और वेलोसिटी यहाँ स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल, तो ये टर्म आएगी, आपको वी डैश निकालना है, एलसीएम लेके वी डैश आ गया, तो ये वी डैश की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ, इसके अंदर वी की वैल्यू आपको गिवन भी है, अंडर रूट ऑफ टू इंटू अंडर रूट, ये पुट करना चाहिए, वी की जगह पुट करना चाहिए टू इंटू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी आर, फिर जो आंसर आएगा वो वी डैश की वैल्यू होगी। पर मेथड समझ में आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखें, इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कैपिटल आर, तो ठीक है अर्थ और सन के बीच में रेडियस क्या है, कैपिटल आर, एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कैपिटल टी, तो अर्थ घूमती है इन टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो मास ऑफ सन क्या होगा। देखो एक चीज समझ लो, जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है ना उसमें सेंट्रीपिटल का फॉर्मुला एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज किया करो। अर्थ घूम रही है सर्कल में, अर्थ को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल, तो अर्थ का मास कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये अर्थ जो है उसको सेंट्रीपिटल चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा अर्थ, सन, सन खींचेगा जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। फायदा ये फॉर्मूला यूज करने का, करने को एमवी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं, पर ओमेगा में ये फायदा है, ओमेगा को सीधा पुट कर सकते हैं टू पाई बाय कैपिटल टी, मास ऑफ अर्थ तो कट गया, सीधा सॉल्व करके मास ऑफ सन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, दिस इज द आंसर। तो आपने एक चीज नोट की, हर क्वेश्चन की शुरुआत यही है, ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, आधे क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है यहाँ तक, लगाना कैसे है उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन की भी स्टार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नीट मेंस में और एनसीईआरटी में इतना आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो यार। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ऑनलाइन वाले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर है, पर वो ये कह रहा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है अगर वो जी एम एम बाई आर रेज टू पावर एन हो जाए तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के साथ कैसे डिपेंडेंट है, ठीक। वैसे अगर मैं फॉर्मूला फोर्स का ग्रेविटेशन का ये यूज करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला, तो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो थी उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, सिंपल। पर वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आर की जगह अगर एन होता फिर यहां पर आंसर क्या होता, ठीक, तो वो फोर्स ही चेंज कर रहा है। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वही है ग्रेविटेशन का,
अगर कोई प्लैनेट घूम रहा है उसके पास क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल। कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशन। इस बार ग्रेविटेशन फोर्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर नहीं, आर इज टू पावर एम, चेंज कर दिया। तो यहां से स्मॉल एम कैंसल, तो वेलोसिटी सॉल्व करके ये आ गई। यहां से जी एम का अंडर रूट, जी एम तो कॉन्स्टेंट है, तो आर की पावर क्या है? एन माइनस वन, और अंडर रूट का मतलब हाफ, तो यहां पर क्या आएगा? आर यहां पर एन माइनस वन बाय टू, तो आंसर आ गया। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका ये फॉर्मूला है, और प्रोपोर्शनैलिटी में अगर लिखना है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू, ये आंसर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, मार्क करना होगा। वो कह रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, एमवी स्क्वायर बाय आर ई का उसने कहा यूज करो। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना हो जाए तो ग्रेविटेशनल पुल तो ग्रेविटेशनल पुल है ना, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो वही सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कर रही है। उसने बेसिक फॉर्मूला चेंज करवा दिया, स्क्वायर की जगह एन कर दिया। अच्छा अगर मान लो मैं न्यूटन हूं और मैंने कहा यार मैंने ये फॉर्मूला अभी अभी बनाया है, फिर आप क्या कर लेते यार? आपको तो नहीं पता कि आर स्क्वायर था, अब बोलो आंसर क्या होगा? तो बस वो यही पूछ रहा है। हाँ तो उसने भी ऐसे ड्राइव किया था ऑर्बिटल, तो अब अगर मान लो आज फॉर्मूला चेंज हो जाए और आर स्क्वायर की जगह आर की पावर एन हो जाए तो फिर आंसर क्या होता? ये क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर होता तो क्या होता ऐसा है। अगर हम n की जगह यहाँ 2 लिख रहे हैं ना, तो हमारी ऑर्बिटल का वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने किया, देखो 2 माइनस 1 1 अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, सेम फॉर्मूला। अब इसी का अगला पार्ट है टाइम पीरियड का, क्या करोगे? फिर सेम फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल, और जहां टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट है वहां ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, एम से एम कैंसिल, तो ये आर जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर एड हो जाएगी, आर रेज टू पावर एन प्लस 1। स्क्वेयरिंग करेंगे 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। अब ये सब कांस्टेंट है तो टी का स्क्वायर जब ए जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो आर के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? एन प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ मतलब 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज ए टाइम दैट ऑफ बी। टाइम पीरियड कह रहे हैं 8 गुना ज्यादा है बी से, एक चक्कर 8 गुना ज्यादा टाइम में काटता है। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो ए का कोई रेडियस होगा सन से, बी का भी रेडियस, तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन टाइम पीरियड और रेडियस का है, और ए की फॉर्मूला हमें आता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। जब भी एक चक्कर का टाइम पीरियड और रेडियस का क्वेश्चन हो तो केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो पहले केस में क्या गिवन है? ए का टाइम पीरियड 8 गुना ज्यादा है बी से, गिवन है ये, और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहला केपलर लॉ फर्स्ट प्लैनेट के लिए टी ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर ए क्यूब, फिर दूसरा टी बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर बी क्यूब, तो ये रेशियो आ गई। आपको क्वेश्चन में टी ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए टाइम्स टी बी, टी बी से टी बी कैंसिल, तो आर ए और आर बी का ये रेशियो आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो केपलर का थर्ड लॉ का क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आ रहा है? जब भी एक चक्कर का टाइम पीरियड और रेडियस की प्रॉब्लम होगी तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखो प्लीज।
क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट विद काइनेटिक एनर्जी ई, देखो एक सैटेलाइट घूम रही है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कल में घूम रही है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ई है, और जो सैटेलाइट घूमती है वो किस वेलोसिटी से घूमती है, ऑर्बिटल। द मिनिमम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इट इन टू द आउटर स्पेस, मैं चाहता हूँ घूमती घूमती सैटेलाइट को मैं उठा के फेंकूँ और एस्केप हो जाए, ग्रेविटेशनल पुल से भाग जाए। तो पहले काम करते हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी ई गिवन है, अब जो सैटेलाइट घूम रही है वो मान लो स्मॉलर हाइट पे घूम रही है, तो किस वेलोसिटी से घूमेगी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर। तो काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम इंटू ऑर्बिटल का स्क्वायर, हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू ऑर्बिटल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये टर्म आ गई, और ये एनर्जी आपको ई गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज ई, तो हमने काइनेटिक निकाल ली और ये ई का ये फॉर्मूला आ गया, ये स्टेप क्लियर है पहला, ठीक हो गया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ली, ऑर्बिटल से हमने काइनेटिक निकाली और हमें क्वेश्चन में वो ई गिवन है, तो ये टर्म आ गई। अब वो कह रहे हैं कि कितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए, मैं उसको एस्केप करवाना चाहता हूँ, अगर मैं उसे एस्केप करवाना चाहता हूँ तो मुझे एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ वैसे तो 2gm/R होती है, पर यहाँ पर सैटेलाइट कितनी हाइट पर घूम रही है, स्मॉल आर, तो मैं वहीं से एस्केप करवाऊंगा तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या पुट करूंगा, स्मॉल आर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी है मुझे, हाफ एम इंटू एस्केप का स्क्वायर, तो एस्केप का स्क्वायर में अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। अब मेरे को ऊपर वाली इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि जी एम एम बाई टू आर की वैल्यू ई है, तो यहां से जी एम एम बाई आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, 2e, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, 2e, राइट। तो सैटेलाइट के पास एनर्जी थी कितनी ऑर्बिट में ई, और कितनी रिक्वायर्ड है फेंकने के लिए, 2e, एडिशनल कितनी रिक्वायर्ड है, 2e में से ई गया ई, ठीक हो गया यहां तक। तो कैसे एनर्जीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम, इनिशियली वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, चलो इनफाइनाइट का मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहे एक दूसरे पे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होता है, 0, तो कोई फोर्स नहीं है, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, बस रेस्ट पे पड़े हुए हैं, बहुत दूर हैं, किसी तरीके से वो ग्रेविटेशनल पुल में आ गए, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, तो मैं ले आया ग्रेविटेशनल पुल में, छोड़ दिया मैंने, अब वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, और किसी इंस्टेंट पर उनका डिस्टेंस हो गया डी, जब डी डिस्टेंस था तो इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी थी, उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी थी उस इंस्टेंट पे, तो आपको निकालना है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस इंस्टेंट पर क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, दोनों वेलोसिटीज का सम, क्योंकि दो बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी वेलोसिटीज रिलेटिव क्या होगी, वी प्लस वी, तो अगर मैं आपको स्मॉल वी बता दूं, कैपिटल वी बता दूं, आप ऐड करके आंसर निकाल दोगे, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसमें कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आप, क्योंकि मैंने जाके कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाई नहीं, उनकी इंटरनल फोर्सेज है जिससे कि वो पास आ रहे हैं, तो बड़ा मास छोटी वेलोसिटी से पास आएगा, छोटा मास बड़ी से पास आएगा, क्योंकि फोर्स तो इक्वल है दोनों में, यू कैन अप्लाई m1v1 is m2v2, तो यहाँ पर m into v बराबर है। वैसे एक और रीज़न भी बताता हूँ ऐसा क्यों अप्लाई किया, आप सोचो इनको मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, फोर्स, और फोर्स की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स पर एग्जैक्टली सेम है ना, कुछ ऐसे सोच सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे और रेस्ट पे थे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या थी, 0, पोटेंशियल क्या थी, -gm/∞, 1/∞ इज 0, तो ना तो पोटेंशियल थी ना काइनेटिक थी जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, ठीक है यहां तक। अब जब ये डी डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो छोटे ऑब्जेक्ट के पास इतनी काइनेटिक है, बड़े के पास इतनी काइनेटिक है, और पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल कितनी है, -gm/d, पर इनिशियल टोटल एनर्जी क्या थी, 0, अब भी 0 आनी चाहिए, क्योंकि इन ये दो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए,
जीरो एनर्जी कंजर्वेशन, कि जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे रहेगी। ठीक हो गया यहाँ तक? तो दूसरी एनर्जी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो रेस्ट पे पड़े हुए थे, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। पोटेंशियल भी क्या थी? जीरो। तो किसी भी इंस्टेंट पर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, चाहे इन्होंने काइनेटिक अक्वायर की, साथ में पोटेंशियल भी आ गई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनका सम क्या रहेगा? जीरो। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आपने थोड़ा मैथ्स लगाना है, इसमें दो वेरिएबल हैं, छोटा वी कैपिटल वी, छोटा वी कैपिटल वी, सॉल्व करके स्मॉल वी कैपिटल वी निकालना है और फिर दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर नीट ऑल्सो, नीट के लिए भी रहने देना, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। उनका सम जीरो है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये टिपिकल कंपटीशन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके कंपटीशन के अंदर, नॉट फॉर एनसीईआरटी, मतलब टिपिकल कंपटीशन की प्रॉब्लम है। ऐसी दो प्रॉब्लम मैंने डाली हैं, तो आपको दोनों से आइडिया हो जाएगा कि आपको तीसरी प्रॉब्लम को क्या करना है। इसमें क्वेश्चन पढ़ लें। इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ए रे। तो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में और जिसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो स्मॉल आर के साथ चेंज हो रही है, इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपको बताना है। अब पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है, बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? सेंट्रिपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें क्या गिवन है? एनर्जी। हमने क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, माइनस जी एम एम बाई टू आर। ठीक, या ऐसा भी कर सकते हो, टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल तो गिवन ही है, वो फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंट है। तो पोटेंशियल तो गिवन ही है, अगर मैं काइनेटिक निकाल दूं ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए? वी। अब एनर्जी से काम करते हैं, फोर्स निकालते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर किया था। आप यू को उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस के बाई टू बाहर आ गया। R की पावर माइनस टू की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, तो माइनस बाहर आ गया, R की पावर माइनस थ्री नीचे जाएगा, R की पावर क्यूब, तो ये क्या आ गई? फोर्स। तो एनर्जी से हमने डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल दी? फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रिपिटल। और ये साइन नेगेटिव क्या शो करता है? साइन नेगेटिव हमेशा अट्रैक्शन को शो करता है। फोर्स में अगर साइन नेगेटिव है इट मीन्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव है तो रिपल्शन। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है टूवर्ड सेंटर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल क्या है? के बाय आर क्यूब। सेंट्रीपिटल के बाय आर क्यूब को क्या पुट करेंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से सॉल्व करके आर से आर कैंसिल, एम वी स्क्वायर आ गया, एम वी स्क्वायर आ गया। तो सोचो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो, काइनेटिक आ गई। पोटेंशियल तो ऑलरेडी गिवन ही थी, काइनेटिक आपने निकाल ली, दोनों को ऐड कर लिया और चांस की बात है आंसर जीरो आ गया। तो टोटल एनर्जी इज जीरो। पर हाँ, अगर आंसर हमेशा जीरो नहीं होगा, अगर उसने यू को यहाँ आर क्यूब कर दिया तो फिर पोटेंशियल चेंज की तो काइनेटिक भी चेंज होगी, तो जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा जीरो आएगा, स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। पर ये पॉइंट क्लियर है आज के बाद, अगर आपको कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, सबसे पहले उसको एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर लगा के क्या निकलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स।
फिर एम वी स्क्वायर बाई आर से एम वी स्क्वायर से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ना माइनस साइन तो सिर्फ ये शो करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स सेंटर है, मैग्नीट्यूड यूज करना है, सेंटीमीटर कभी नेगेटिव नहीं होती। मैं काम करता हूं, मिलता जुलता क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है, पहले वो करवा देता हूं आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो जैसे ये देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ कॉम्पिटिशन में, नॉट फॉर एनसीईआरटी। क्या क्वेश्चन है? टू पार्टिकल ऑफ सेम मास एम मूव्स इन अ सर्कल, मूव्स इन अ सर्कल गिवन है और फोर्स ये रही। अब ऑब्वियसली अगर वो सर्कल में मूव करते हैं तो ये फोर्स क्या होगी? सेंटीमीटर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो ये फोर्स क्या होगी? सेंट्रिपेटल। तो कह रहे फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस आर वन है, सेकेंड का आर टू है, आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है। रूल वही है, आप एक काम करें इस फोर्स में से नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो ये टर्म आ गई। नेगेटिव साइन तो ये शो करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है टूवर्ड सेंटर, तो ये जो अंदर की टर्म बची ये सेंट्रिपेटल है। सही है, सेम क्वेश्चन हो गया, उल्टा पिछला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था, यू से पहले एफ निकलता था, इसमें तो स्ट्रेट वे क्या दे रहा है? एफ दे रहा है। माइनस साइन को छोड़ देते हैं तो ये क्या बनी? सेंट्रिपेटल। सेंट्रिपेटल आर से आर एडजस्ट करो, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो पुट कर दो एम वी स्क्वायर, काइनेटिक आ गई। केस नंबर वन में आर वन को पुट करेंगे वन, केस नंबर टू में आर वन को पुट करेंगे फोर, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आ जाएगी। तो दो क्वेश्चन रिपीट हुए, ऐसा तीन चार और भी रिपीट हुए होंगे, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बॉडी जब सर्कल में घूमती है और फोर्स गिवन है तो कैसे उसमें एम वी स्क्वायर बाय आर निकालना है? ठीक, क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस वन है, डिस्टेंस फोर है, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालो। ठीक है, यहाँ तक वेरिएबल रेडियस है इसमें, कांस्टेंट रेडियस नहीं है, तो आर तभी तो वन और फोर ले रहा है, वो यूज कर रहा है। ठीक, अच्छा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने कर लिया, अभी किया था अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल और उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वेरीज एनथ पावर ऑफ रेडियस आर, ये रहा सेंट्रल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला जीएमएम बाय आर स्क्वायर कीजिएगा, जीएमएम बाय आर रेज टू पावर एन हो जाए। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? आज हमने किया था ये पार्ट, टी वाज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन प्लस वन बाय टू, ऐसा कुछ किया था। ठीक, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करेंगे। A body of mass m moving in a circular orbit of radius r, एक body जिसका mass m है वो circle में घूम रही है of radius r, and planet of mass capital M के आसपास घूम रही है। At some instant it splits into two equal masses, तो जो body small m है वो दो टुकड़ों में टूट गई, m by 2 और m by 2। जो एक टुकड़ा है वो r by 2 radius में घूमना शुरू कर दिया उसने, और दूसरे ने 3r by 2 radius में घूमना शुरू कर दिया। आपको बताना है डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है। तो एक काम करते हैं, जब ये मास नहीं टूटा, एक कैपिटल एम मास है एक स्मॉल एम मास है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या थी? माइनस जी एम एम बाई टू आर। आज हमने वो डेरिवेशन की थी टोटल एनर्जी की, मैंने मार्क करवाया था कि याद करो टोटल एनर्जी दैट वॉज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, उसका फॉर्मूला क्या था? माइनस जी एम एम बाई टू आर। तो जब वो पार्टिकल नहीं टूटा तो कितने रेडियस में घूम रहा था? कैपिटल आर। तो ये इनिशियल टोटल एनर्जी आ गई। ठीक हो गया यहां तक? अब वो टूट गया तो एक टुकड़ा एम बाई टू कितने रेडियस में घूम रहा है? आर बाई टू। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम एम बाई टू, टू टाइम्स आर, नहीं आर की जगह आर बाई टू, और दूसरा टुकड़ा एम बाई टू कितने रेडियस में? थ्री आर बाई टू।
तो एक टुकड़े की टोटल एनर्जी, दूसरे की टोटल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी आ गई। तो ये टोटल एनर्जी आ गई इनिशियल जब नहीं टूटा, टूटने के बाद ये फाइनल एनर्जी आ गई, उसने डिफरेंस ऑफ, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा, उसने डिफरेंस ऑफ एनर्जी पूछा, दोनों को माइनस कर लेना, टोटल एनर्जी को आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल एनर्जी का और कुछ नहीं करना है इसमें। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2018 का टफेस्ट पेपर है, उसका टफेस्ट न्यूमेरिकल है, आपने अपने लेवल पे करना है कर लो, लेकिन अगर आएगा तो टफ है, इसको रहने देंगे, कुछ वैसे करना चाहते हो कर लेना। ये प्रॉब्लम भी आई हुई है एनसीईआरटी की कंपटीशन में, ये भी बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। देखो, इफ ओमेगा ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, ये मेडिकल वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऊपर वाला क्रॉस ही कर दें, एनसीईआरटी वाले भी बिल्कुल नहीं करेंगे, मेंस वालों ने कुछ देखना है तो देख लेंगे। इफ ओमेगा ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, हाउ विल इट अफेक्ट जी ड्यू टू लैटिट्यूड, कह रहा है कि अगर मैं ओमेगा को बढ़ा दूं तो फिर लैटिट्यूड का फॉर्मूला लगाओ और बताओ स्मॉल जी कैसे चेंज होगा। तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला होता क्या है, जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या होता है 90, और इक्वेटर के ऊपर क्या होता है 0। तो इसमें कॉस 90 क्या होता है 0, पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इसमें ओमेगा बढ़े या कम हो, पोल्स की जी की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पोल पे तो नो चेंज। इक्वेटर में कॉस 0 होता है 1, तो अगर ओमेगा बढ़ेगा, ये 9.8 कांस्टेंट है, तो अगर ये टर्म बढ़ेगी तो ओवरऑल सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा कम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे एक वैल्यू कॉन्स्टेंट और एक डिक्रीज, अफेक्ट ऑफ ओमेगा समझ में आ रहा है कैसे लगाना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये हमने कर लिया, ये देखो इसमें लिख लो, ड्रॉ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ स्मॉल आर, स्मॉल जी विथ स्मॉल आर, और लिख लेना फॉर अ सॉलिड स्फीयर या अर्थ, लिखो ब्रैकेट में फॉर सॉलिड स्फीयर या अर्थ, स्मॉल जी फॉर सॉलिड स्फीयर या अर्थ। एक पॉइंट समझो, स्मॉल जी की वेरिएशन ड्रॉ करनी है, एक बात बताओ कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल जी का भी तो सेम ही होता है, तो स्मॉल जी और कैपिटल ई में तो कोई फर्क होता ही नहीं है, फॉर्मूले में तो कोई फर्क ही नहीं है। हमने लास्ट टाइम ग्राफ्स किए थे, अगर आपको याद होगा, आपको याद होगा कि अगर हम अर्थ के अंदर हैं या सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हैं तो ई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी, और अगर बाहर हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जो सॉलिड स्फीयर का वेरिएशन ई का था वही स्मॉल जी का वेरिएशन है, आंसर विल रिमेन सेम। याद है कैपिटल ई को सॉलिड स्फीयर में कैसे चेंज किया था, तो कैपिटल ई और स्मॉल जी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, तो सेम वेरिएशन ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है यहां तक? वो लास्ट टाइम ग्राफ्स किए थे, सेम ग्राफ मैच करना है इसमें। यह आया हुआ क्वेश्चन, इसको देखें। If Earth has no rotational motion, Earth has no rotational motion, समझते हो ओमेगा क्या है इसका 0। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर लैटिट्यूड से ऐसे चेंज होती है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अगर रोटेशन ही नहीं होगी तो ओमेगा क्या होगा 0।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो वेट ऑफ द पर्सन क्या रहेगा एम जी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो केस नंबर वन में यही गिवन है कि उस केस में वेट ऑफ द पर्सन डब्ल्यू है, डब्ल्यू इसका मतलब एम जी है। ओमेगा बताओ, अब आपको अर्थ को घुमाना है, ओमेगा बताओ अगर वेट ऑफ द पर्सन कितना हो जाए इक्वेटर के ऊपर 3W/4। एक काम करते हैं, इक्वेटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वेटर पे लैटिट्यूड क्या होता है जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है वन। तो एक काम करते हैं एम से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये वेट ऑन इक्वेटर है जो कि कितना लेना है 3W/4, और वैसे एम जी की वैल्यू कितनी गिवन है डब्ल्यू, और एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक काम क्यों नहीं करते इस m को भी w की फॉर्म में पुट कर लो, क्योंकि w mg है तो m क्या होगा w/g, m की जगह w/g, इससे w कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल होके सॉल्व करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कंपटीशन के क्वेश्चंस, वैसे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और आई कंपटीशन में हुई है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम लैटिट्यूड वाली प्रॉब्लम तो आपके स्कूल के पेपर्स के अंदर भी आने वाली है, ग्राफ की प्रॉब्लम भी आने वाली है, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पक्का आएगा, एस्केप वेलोसिटी या पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं आपके पेपर में, क्लियर है। और कंपटीशन का मैं बता ही रहा हूँ आपको, ऐसी चीज़ें मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा उससे वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो कोई छुपी बात तो है ही नहीं इसमें।